गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7, लेसन 5, और लेसन का नाम है द क्राउडेड, यानी कि भीड़ भाड़ ट्रेन, यानी ट्रेन में, यानी कि भीड़ भरी ट्रेन जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा यात्री थे, वो वाला लेसन पढ़ रहे हैं। उसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि हम आधा लेसन पढ़ेंगे और आधा लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो डाल दूंगी, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको इसमें शब्दार्थ डाल दूंगी मीनिंग 5 लेसन के, तो वो आप कर लीजिएगा और मुझे अपना काम कर आप बताएंगे तो ही मैं आगे वीडियो आपको भेजूंगी। चलिए तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पेज नंबर 26 पर आ जाइए। 26 पर नंबर 1, हैव यू, क्या आपने, ईवर यानी कि प्रत्येक, है ना, ट्रेवल्ड यानी कि सफर, बाय ट्रेन यानी ट्रेन के द्वारा, क्या आपने, किस प्रत्येक ने ट्रेन के द्वारा सफर किया है, तो यस, हम सभी ने ट्रेन के द्वारा सफर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, है हैव यू ईवर, क्या आपने, बॉड यानी कि खरीदा है, टिकट यूअर सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए टिकट खरीदा आपने, तो यस, वो भी हमने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 चल रहा है, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, इफ यदि समवन यानी कि कोई एक ट्रेवल्ड से यानी कि सफर यात्री विदाउट ए टिकट, अगर कोई यात्री बिना टिकट के सफर करता है तो क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, मतलब तीनों हो गए, क्या होता है, उसको पकड़ लेता है अगर टीटी तो फिर जुर्माना भरना पड़ता आप लोगों को, है ना, पता है सभी को। चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क, विनोद फिनिश्ड यानी उसका काम पूरा हो गया, हिज वर्क यानी उसका काम, एट द ऑफिस, ऑफिस का, बॉट ए फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर, यानी कि ऑफिस, जैसे ही विनोद का काम उसका ऑफिस का खत्म हो चुका था तो वो कहाँ गया था, इंदौर। ही हैड कम ऑन ए ऑफिशियल विजिट टू भोपाल, वो कहाँ गया था, भोपाल गया था, ऑफिशियल यानी कि शासकीय काम के लिए उसे कहाँ जाना था, भोपाल जाना था, ऑफिस का काम खत्म कर वो भोपाल के लिए रवाना हो चुका था। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड प्लान्ड, उसने प्लान किया टू रीच होम बाय नाइट, यानी कि उसने सोचा कि अब मैं रात भर इसमें चलूँगा और सुबह में कहाँ पहुँच जाऊँगा, अपने घर पहुँच जाऊँगा, ऑफिस का काम पूरा जब भी काम से उसके बाद में। एज ही, जैसे ही ई रीच पहुँचा भोपाल, भोपाल पहुँचा रेलवे स्टेशन पर, ही नोटिस, जो उसने याद उसको लगा, उसने विचार किया, दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड यानी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, यानी कि जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, एंड यानी कि और ही इम्पॉसिबल यानी कि असमर्थ, मतलब इम्पॉसिबल का अर्थ क्या, असफल हुआ फॉर हिम टू ए ट्रेवल बाय सेकंड क्लास, यानी कि वो सेकंड क्लास जो द्वितीय श्रेणी का जो डब्बा होता है ना ट्रेन का, उसमें वो चढ़ने में असफल हो गया, यानी कि चढ़ नहीं पाया। अब आप दूसरे पैराग्राफ पर आ जाइए, ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और बाय न्यू टिकट, यानी कि उसके पास टिकट चेंज करने का वक्त नहीं था कि वो दूसरे वाले कोच का टिकट ले ले, उसके पास इतना भी टाइम नहीं था। ही नोटिस, जो उसने सोचा, दैट देयर वेयर सम, यानी कि कुछ और वैकेंट सीट्स खाली है इन द एसी कोच की, यानी कि जो एसी वातानुकूलक जो ट्रेन का डब्बा होता है ना, यानी कि एसी वाला, वो डब्बे में कुछ सीटें खाली थी, उसने सोचा कि मैं इसमें चढ़ जाऊँ। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन द एसी कोच, उसने उसमें चढ़ने का पूरा फैसला कर लिया। ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंट एज सून एज द टीटी, उसने सोचा कि मैं इसमें चढ़ जाऊँगा और जैसे टीटी आएगा मैं कुछ पैसे और उसे चुका दूंगा, जो ज़्यादा मतलब अपन एसी में बैठते उसके हिसाब से वो उसको पैसे चुका देगा। राइड आता ही गॉट इन टू द कोच, और वो क्या करता है, एसी वाले कोच के डब्बे में वो बैठ जाता है, सेट डाउन बैठ जाता है ऑन द टू, और वहाँ पर जैसे कि और भी कुछ वहाँ पर जैसे कि दो की सीट खाली थी उस पर एक पर वो बैठ जाता है, ठीक है ना। अब हम जो हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है उसमें आते हैं, द अदर पैसेंजर, दूसरा पैसेंजर इन द कोच अपीयर्ड, प्रकट हुआ, मतलब आया वहाँ पर टू बी रिच बिजनेस, वो कुछ अमीर ज़्यादा मतलब कुछ अमीर व्यक्ति था, बिजनेसमैन था। दे वियर वियर वेल ड्रेस, उसकी ड्रेस जो थी वेशभूषा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जस्ट यानी कि अभी एज द ट्रेन, जैसे ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है, पुअरली यानी कि गरीब ड्रेस्ड यानी कि जो जिसकी वेशभूषा अच्छी नहीं थी, यंग मैन यानी कि जवान व्यक्ति अभी थे,
वन आउटसाइड सूटकेस जंप्ड, यानी कि एक सूटकेस जिसके पास बेकार से कपड़े थे वो एकदम अंदर से जंप यानी कूद गया, अंदर आ गया, इन एंड सेट डाउन और आकर वहाँ पर गिर गया। ही लुक्ड, उसने देखा, एज ही जैसे ही, इफ यदि, ही हैड नो जॉब, इसके पास उसने देखा कि ये कोई जॉब में नहीं है। द यंग मैन का जो कोट था वाज टाइट यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट था, शॉर्ट द एट द बैक, और उसका जो कोट था वो मतलब टाइट भी था और छोटा भी था, फटा हुआ मतलब फटा हुआ सा था, उसने ये देखा। हम यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लेसन 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ओके, बाय, थैंक्स।